जो हमेशा भगवत चिंतन करता है, हमेशा भगवान का ध्यान करता है, हमेशा भगवान नाम लेता है, उसके मुख से यदि कभी कारणवशात भगवान के लिए कुछ बुरा भी निकलता है, उस बुरे को भी भगवान आरती के रूप में स्वीकार करते हैं, पूजा के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसो को उदार जगमाई, भगवान जैसा उदार कोई हो ही नहीं सकता है। दुनिया वालों के लिए तो आप जीवन भर अपना खपा दो, उसके बाद भी छोटी छोटी बातों को ऐसा वो अपने गांठ बांध लेते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया, आपने अच्छा क्या किया था ये कोई चर्चा नहीं करता है, तुमने कमी क्या की थी इसी की चर्चा करते हैं। बहुत से तो अपनी मां से ही नाराज हो जाते हैं, और इस दुनिया में मां से जैसा, मां से ज्यादा एक बच्चे का कोई भी सुहृद नहीं होता है, एक मां से ज्यादा कोई शुभचिंतक, एक मां से ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में एक बच्चे का कोई नहीं होता है। लेकिन बच्चे मां को भी क्या कहते हैं, तूने किया ही क्या है मेरे लिए। तो दुनिया में आपको यही सुनने को मिलेगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ठाकुर के लिए करो, तुम थोड़ा भी ठाकुर के लिए करोगे तो ठाकुर बहुत मानेंगे। दुनिया के लिए तुम बहुत मानते हो, दुनिया वाले थोड़ा सा भी नहीं मानते। मानते हैं? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं मानते ना। आपके बच्चों को आपसे हमेशा शिकायत रहती कि नहीं रहती, पहले ये बताओ, रहती है ना। और आपने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया है, सब कुछ तो किया। मर खप गए आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ शिकायत लेकर के बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ नाराजगी लिए हुए बैठे रहते हैं। लेकिन भगवान उस तत्व का नाम है, भगवान उस प्रेम का नाम है। आप थोड़ा सा भी भगवान के लिए करो, भगवान अनंत अनंत उसको मानते हैं। ऐसो को उदार जगमाई।